बिठाए खूब हंसाए। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बुरी तरह से गा क्यों रही हूँ। अरे, क्योंकि आज है हमारा म्यूजिकल स्पेशल एपिसोड, तो मिलाओ ताल से ताल, होकर हंसी से बेहाल। एंड नाउ प्लीज वेलकम इस शो के रिंग मास्टर्स, आर अडोरेबल जजेस, लाफ्टर ब्लास्टर सतीश शाह, कॉमिक मास्टर अर्चना पूरन सिंह, एंड ऑफ कोर्स ए स्टैंड अप शेखर सुमन। जैसा कि हम सब जानते हैं, वीक बाय वीक कंपटीशन टफ होता जा रहा है। बच गई हैं सिर्फ 6 जोड़ियां और आज भी इनमें से किसी एक के जाने की बारी है। वो कौन होगा ये एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। फिलहाल बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। अब अरे, मैं तो भूल गई, जोड़ी से पहले कैसे भूल सकते हैं शाने शकील। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शकील सिद्दीकी। कैसी हो और क्यों हो? यूं ही हूं बस। क्या हो रहा है आज? भाई, म्यूजिकल स्पेशल, आप ये जो कव्वाल के आउटफिट में आए हैं, आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा, हर बात गा के करनी है? अरे, वो तो मैं भूल ही गई भाई। आज ये बातें करेंगे तो गा गा कर, यानी गा कि गा के। और मेरे से बड़ा गवैया कोई होगा नहीं श्रुति। सच में? अरे, मैं तो पैदा ही तबले में हुआ था। अब्बा सारंगी में हुए थे, दादा तानपुरे में हुए थे। वाह, ये तानसेन कौन है? कौन है तानसेन? आदमी है, तुझे नहीं पता इतनी बड़ी हो गई? मैं तो भरोसे वाला सिंगर हूँ। आप कैसे? एक जगह मैं गाने गया हूँ, मेरा भरोसा देख। मैं गाने गया हूँ अनाउंसमेंट पे, अब आते हैं शकील सिद्दीकी, मैं चढ़ाऊँ। जैसे मैंने माइक लिया है, लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया है। औरतों ने अपने अपने पति की बुराई शुरू कर दी, बच्चे खेलने लगे। मैंने कहा मुझे भी सुन लो, कर आप गाओ, आप पे हमको भरोसा है, गाओ। सच है? मैं पैदा हुआ था, गाना बन गया था। अच्छा? मैं पैदा हुआ, मुझे देख कब्बा कहने लगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अम्मा ने कहा हो छोड़ो, ये ना सोचो, वो तो मैं जहीन थी, हो गया। आज गाऊंगा, तू देख। खुदा, अरे बिना खेल करूंगा सबको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको आप पर बहुत भरोसा है। आप जाकर बैठिए। हाँ, मैं दूसरी वहीं बिना। हाँ, ये वाली वाली जहाँ आपका मन करे। अभी भगाएगी वहां से बड़े। तो पहली हंसी से भरा म्यूजिकल परफॉर्मेंस देने आ रही है हमारी पहली जोड़ी। तो आपके भाव मिल रहे हैं जजेस और कंटेस्टेंट्स रियलिटी शो के लिए। देखिए क्या हुआ, जब ऐसे ही एक रियलिटी शो में मिल गए राजेश उर्फ बप्पीदा और राजीव, जो बने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश एंड राजीव। सोने का भी चैन या हारे, चांदी का भी चैन या हारे, सोने का भी चांदी का भी चैन है यहाँ, एक लोहे। ओ, ये तो खुला है। भागो बप्पीदा, इधर भागता है। ए, खाने पास सुन, इधर आ। ए, तुम्हारा चेहरा कुछ सुना सुना लगता है। सुना सुना नहीं, देखा देखा। हम जज है, हम देखता कम है सुनता ज्यादा है, तुम्हारा चेहरा सुना है। और तुम इधर क्या कर रहा है? अरे, आप इधर क्या कर रहे हैं? हम ऑनरेबल जज है, मोहल्ला में भी लड़ाई होता है तो लोग हमको बुलाता है जांच करने के लिए। मोहल्ले की लड़ाई में क्या करने जाते हो आप? हम उधर मार्क्स देता है। जिसका थोबड़ा कम सूजा रहता है उसको ज्यादा मार्क्स देता है। तुम अपना चेहरा मत सूजाओ, तुम गान गाओ, क्योंकि आज जावेद अख्तर नहीं आया है, हम अकेला ही जांच करेगा। गाओ। ओ दुनिया के रखवाले, तुम दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई। बप्पीदा, बप्पीदा, वाह, हमारा गाना खत्म हो गया। अच्छा था, अच्छा था।
आवाज भी अच्छा था, सूट भी अच्छा था, लेकिन तुम्हारा गान में एक प्रॉब्लम था। ये किशोर दा का स्टाइल में तुम नहीं गाया। इस गान को तुमको ऐसे लेने का, दिल में हो तुम, सांसों में तुम, डारी डडा डारी डा। लेकिन बप्पी दा, मैंने किशोर दा का गाना नहीं गाया है। तो तुम फिर इधर के फॉर किशोर में क्या कर रहा है? अरे ये के फॉर किशोर नहीं, आर फॉर रफी है। लेकिन हम तो के फॉर किशोर में सोया था। ओ, तब तक आर फॉर रफी चालू हो गया। आई एम सॉरी बेटा, तुम अपना गान शुरू करो। बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन में आराम करो। डिट्टो डिट्टो बहुत अच्छा गाना है। तुम डिट्टो रफी के आवाज में गाया, डिट्टो रफी का। दादा अभी मैं किशोर का गाना गाया। दादा लग रहा है हेडफोन का वायर निकला हुआ है किधर। क्या बात कर रहा है, अभी टेस्ट करो। टेस्ट करो, टेस्ट नहीं, 1 2 3 बोलो। अच्छा ऐसा बोलो, 1 2 3 करेक्ट। अभी गान गाओ वापस। ओके, कम ऑन गाइस, आर यू रेडी टू रॉक विथ मी? बॉस मेरे साथ ताली बजाइए, मेरे साथ में गाएंगे। कम ऑन, मेरे साथ में गाइए। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, कहाँ गए ओ मेरे प्यार। एक सेकंड, तुम अपना जबान साफ करो। अरे रोज टंग क्लीनर से साफ करता हूँ, अभी क्या हार्पिक इस्तेमाल करूँ मैं? तुम्हारा अल्फाज अच्छी नहीं था, मैं ये कह रहा था। अल्फाज अच्छी नहीं था, इनका अल्फाज बहुत अच्छी है। मेरा कहने का मतलब समझो, तुम्हारा गान में दर्द नहीं था, उसमें दाम नहीं था। गान यहां से निकलता है। हम तुमको 0 marks देगा। किधर है 0 marks? किधर आए? तुम छोटा मोटा सिंगर मेरा टाइम खराब करता है। हम सिर्फ छोटा है, मोटा तो तुम है, गहने चोर। गहने चोर, गहने चोर। हम सिर्फ गाना, मेरा मतलब है हम कुछ नहीं चुराता है, सब ओरिजिनल है। मालूम है ये गहने किधर किधर से चुराता है सब मालूम है। मोहल्ले में कोई औरत विधवा होती तुरंत पहुंच जाता है, बोलता है बहन जी आ तो विधवा हो गई, ये गहने किस काम के, मुझे दे दो, ले आता है। क्या बकवास करता है तुम? हम म्यूजिक डायरेक्टर है। अरे तो कभी गाना भी बनाया करो ना, इधर उधर साला दिन खाली जज जज खेलता रहता है। देखो तुम मेरा इंसल्ट कर रहा है, तुम पर्सनल हो रहा है। अगर जावेद साहब यहाँ होता था ना, तो उर्दू का वर्ड घुमा घुमा के तुम्हारा मुंह सुजाता था। लगता है उन्होंने आपका मुंह सुजाया। आइए जावेद साहब का तो नाम ही मत लो, उनसे तपा बैठा हूं मैं। कोई भी परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस खत्म होता है, जावेद साहब का अपना दास्तान शुरू हो जाता है। जिंदगी है तो घासलेट है, घासलेट है तो बहू है, बहू है तो वैम्प है, वैम्प है तो बिंदी है, और बिंदी है तो बिंदिया चमकेगी, बिंदिया चमकेगी तो चूड़ी खनकेगी। चूड़ी की खनक से याद आया, तुम्हारी आवाज में खनक नहीं है। बहुत बोला जावेद, मतलब बराबर बोला जावेद, तुम्हारा आवाज में खाना नहीं है। अरे तो उनको खुश करने के लिए नाश्ते में घुंघरू खाया करूँ क्या मैं? तुम जावेद साहब का इंसल्ट कर रहा है। जावेद साहब इतना शो जाज किया है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको व्हाइट एम्बेसडर कार देगा, उसके आगे लिखवाएगा जस्टिस जावेद अख्तर। तुम कहां कहां से चिंदी चोर चला आता है, उसके बाद पता नहीं इधर आकर के माथा खराब करता है मेरा। किससे इंस्पिरेशन लिया तुम? इंस्पिरेशन लिया है एक गाने से, बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं। कौन सा गाना? कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए, तेरे कान के नीचे बजाना चाहिए। घटिया घटिया गान गाता है।
तुमको हम जीरो मार्क्स देता, किधर नहीं है जीरो मार्क्स। अरे बप्पी दा, तुम्हारे मार्क्स का इधर वैल्यू भी नहीं है। क्यों, जावेद आया क्या? अरे इधर उससे अच्छा अच्छा जज बैठा हुआ है, वो देखो सामने। चलो मार्क्स दो। थैंक यू, थैंक यू। जजेस, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अर्चना, I can't say perfect performance, I can't say a mind-blowing performance, लेकिन इस performance में मुझे एक मज़ा, एक चस्का, एक it was a tickling kind of performance. So that means एक नया ही flavor मैंने आज देखा है. And for that, देखिए आप zero वाले ढूंढ रहे थे ना, zero, ये नहीं, ये दूंगी. Nine points. Thank you so much. शेखर, बहुत अच्छा लगा, भालो, और अपना अपना गान को इतना ऊंचा उठाया, तुम दोनों का तालमेल भी बहुत अच्छा था. तुम लोग बहुत इडियट के जैसा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत लवेबल इडियट के जैसा परफॉर्म किया, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा किया. हम तुम दोनों को 9 देंगे. थैंक यू सर. सतीश जी, भाई मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप दोनों के गाने में आपने कोई भी रिश्ता नहीं रखा ताल और सुर के साथ, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट के साथ रिश्ता रखा. And some of the jokes were really very good. मगर हमको sharpness अच्छा लगा जो आपका गान में था. 9. Thank you, sir. 9 points. बात तीनों judges ने 9. बहुत अच्छा, आप बैठ सकते हैं. Thank you so much. दूसरी जोड़ी को बुलाने से पहले जरा कॉर्नर में बैठे हमारे शाने शकील को यहाँ बुलाते हैं और जानते हैं कि हमारे इस म्यूजिकल एपिसोड के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं. आइए. गाने की बात करनी है. जरूर. गाने मुझे सही लगते ही नहीं, कोई गाना सही नहीं है. अच्छा, गाने भी अच्छे नहीं लगते आपको? कौन सा अच्छा लगता है? वो गाना है ना, दर्द डिस्को, दिल में है मेरे दर्द डिस्को. पहले दर्द होता था, ECG कराने भागते थे, अब नाच रहे हैं दर्द डिस्को, दर्द. ये गाना सही, मुझे बता दो कोई गाना सही हो. है कुछ नहीं, कबूतर जा 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 कबूतर, तू खुद बैठी रहे, वो जाए. गाने सही नहीं आ रहे. अब एक गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल. 100 साल के बाद तो आदमी उसी सांप बन जाता है. 100 साल के बाद किसी की हिम्मत हो सकती प्यार करने की? बताया, अगर वो खटिया से उठ जाए मैं मान जाऊं. सारे काम तो वही कर रहा होता है, यहीं दे दे. बिल्कुल. है ना, कितनी सीधी बनी हुई है. हर दफा बगैर बोली मेरे कपड़े के बारे में, बाजू के कपड़े पहन के जो चीज छुपाने की उसको दिखा रही होती है तू. पता नहीं पोलियो के कतरे पिलाए थे नहीं पिलाए थे घर वालों ने, इससे जुए तगड़ी होगी उसकी. सो इट्स टाइम नाउ फॉर आवर नेक्स्ट जोड़ी. छोटे गांव और बड़े शहरों की ये जंग कॉमेडी सर्कस तक पहुंच गई. प्लीज वेलकम गांव की छमिया राजीव और शहर की आइटम कामिया. आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, माफ हो, माफ हो, माफ हो. ये शीला की जवानी. रेशमा की. सत श्री अकाल भैन जी. जल्दी से मुझे टेस्ट करो. टेस्ट? ये टेस्ट बोलना. अपन भी ऑडिशन के लिए आईला है, इसका अंग्रेजी में बहुत झोल है बाप. ओए हमारी अंग्रेजी को कुछ नहीं कहना, और अपना ये चोला चूला घर छोड़ के आया करो, नहीं तो मार के चपेट दंद पान. ये जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र बहन जी, जय महाराष्ट्र. हमारे अमृतसर में भी यही कहते हैं, जय महाराष्ट्र. बहन जी इन्ना ना पाठ कर दो, आराम करने दो. ये बहन जी यहाँ आया कोई नहीं क्यों? 10 बजे बुलाया तो 10 बजे काई को आई तो. अरे तेरे को मालूम नहीं क्या? हाँ? ये गोविंदा जी का प्रोडक्शन हाउस है. एक गोविंदा जी की तो मैं ना जय ही बोलूंगी. ये ना बाज नहीं आते, इन्होंने मेरा कितना नुकसान करा दिया बहन जी. पता है 3-3 प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े मुझे, पूरा 250 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, ऊपर से 10 रुपए का रिक्शा लग करके आई हूँ. एक बात बता, ये आइटम नंबर के ऑडिशन के लिए ये पूरा कपड़े का दुकान काई को लपेट के आई रे तू? हमारे पंजाब में तो सभी यही पहनते हैं.
आइटम नंबर करेगी तू, ऐसा आइटम गर्ल ऐसा होता है ऐसा। ये क्या है ना, अपुन में ना एक स्टाइल है, अपुन है ना अपुन का कल्चर कभी नहीं भूलता है। सही बात है बहन जी, आप कल्चर नहीं भूलती, कपड़े पहना भूल जाती हो। ए जिंगी, ओ बहन जी, ये तेरे को कपड़ा नहीं दिखता क्या अपुन का? ए कपड़ा बहन जी, इतने कपड़े ना हमारे वहां औरतों ने रसोई में गर्म बर्तन उठाने के लिए रखे होते हैं। ये तू जैसा कपड़ा पहन के आई है ना, उतने कपड़े में ना अपुन के उधर मर्सिडीज गाड़ी का कवर बन जाता है। जी? ये ना अपुन को देख, अपुन का है ना रोम रोम में डांस बसेला है, देखेगी क्या? अपुन कोई भी म्यूजिक पे नाच सकता है। ए बजाओ रे। बहन जी तुम तो म्यूजिक पे नाचती हो ना, इधर देखो म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, मैं तो ट्रैफिक में फंस जाऊं ना उधर गाड़ी का हॉर्न बजे मैं तो उस पे नाच लेती हूँ। पी पी पा मैं मर गई, हाँ 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 मैं डर गई, हाँ हाँ हाँ। बहन जी मैं तो जनरेटर को नहीं छोड़ती, जनरेटर को स्टार्ट होते ही डिक 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 डिक। ये क्या कर ली रे? बहन जी जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। ये अपुन का क्या ना, अपुन का डांस का इतना इज्जत है ना, जब भी अपुन के मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा होने का ना, तो सबसे पहले अपुन की बुकिंग होती है क्या? ये तो कुछ भी नहीं, हमारे मोहल्ले के 20-20 मील दूर तक कोई बुड्ढा मर जाए ना, सबसे पहले बुकिंग मेरी होती है। मैं तो ना एक एक दिन में 5-6 जनाजे कवर कर लेती हूँ। और इतना तेज अफसोस करती हूँ, इतना तेज अफसोस करती हूँ ना, करके दिखाऊं? अरे करना, कैसे करती रे? म्यूजिक, हाँ, शमा कछोला भड़क रहा देखो ये दिल धड़क रहा, शमा कछोला भड़क रहा देखो ये दिल धड़क रहा है, हाय मर गया, हाय 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 मर गया, हाय 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 मर गया, हाय। कई बार तो बहन जी मुर्दा उठ के बैठ जाता है। अहिल्या जानू एक बार और करके दिखाना। ये फिर? फिर क्या, मैं एक बार और करती हूँ मुर्दा फिर मर जाता है। कैसे तेरे हालात है ना, हा? तू किसी के जनाजे पे भी ना पुलिस का छापा पड़वा देगी। बंदा घटिया एकदम झोले इसका। ओए मैं तेरे को बहन जी कही जा रही हूँ, तू क्या हीरोइन बनने आई है? मेरी बात दुआएं लगेंगी गरीब की तेरे को, भगवान करे तुझे 5-7 धार्मिक फिल्में मिल जाएं। भगवान करे तुझे 5-7 गुंडे उठा के ले जाएं, खुश ना हो तेरे साथ कुछ ना करें। भगवान करे तेरा MMS बन जाए मोबाइल में, और जिसमें बने वो मोबाइल गुम हो जाए। तेरी तेरे को फिल्म में कैसे सीन मिले, और तेरा हीरो नाना पाटेकर हो। अर्चना, राजीव एंड काम्या आपने हमें हंसा हंसा के पागल कर दिया। मैक्सिम जो आपके पंचेस थे वर एब्सोल्युटली Superb. Thank you. 9 points. भाई मुझे पहले तो लगा कि कामिया is taking over और ये बिल्कुल supporting में, फिर उसके बाद बाजी पलट गई and you took over suddenly. बड़ा अच्छा था. I liked it very much. I'll also give you 9. Thank you. 9 points. It was an absolute riot. मेरे को दंगा करवा दिया आप लोगों ने, और तुम तो छिछोरी होते जा रही हो यार, मतलब मैं ये सब सुनने के लिए बेताब था तब तक. 9 points. परवेज सिद्दीकी। काय को गाने की बैंड बजा रहे ला है, ये गाना ऐसा नहीं है, ये गाना कुछ ऐसा है। hey! बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया।
जब जिगर में आग लगी है तो कोई बड़ा काम लो, चाय पकाई ले, खाना पकाई ले, लोहा पिघलाई ले, मुल्क के काम तो आए कम से कम। और बीड़ी जलानी है तो शकील भाई के नाड़े में आग लगा दे, लोग वहीं से जलाते रहेंगे। बीड़ू, हाँ, नाड़ी की बात छोड़, ये आजकल के नए सिंगर गाना वाना आता नहीं है। कौन सा गाना? वो अपना दलेर पाजी। हाँ, वो गाना कम गाता है, नाड़े ज्यादा बेचता है। वो कौन सा गाना? साढ़े नाड़े लोगे ते ऐश करोगे, दुनिया भर के नाड़े सारे भूल जाओगे। नाड़े नाड़े हे नाड़े 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 ले लो, नाड़े 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 ले लो, नाड़े नाड़े नाड़े। चुप कर, इसी नाड़े से तेरा गला घोड़ दूंगा। अजीब किस्म का आदमी है, इतना ढीठ आदमी है, इसको तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, उल्टा लिटा के इसको खूब फटके मार रहे, फिर भी नीचे से गा रहा है। ये अंधेरी ईस्ट का थाना लगता है, SHO भी वही पुराना लगता है, पल भर में कैसे ये पढ़ते हैं फटके, हर फटके पे सब बताना पड़ता है। खड़े हो गए, अब हवलदार से क्या कह रहा है, तुमने बेगम की याद दिलवा दी। बीवी के गाने की याद दिला दी तो बीवी से एक बात भी याद आ गई, ये शादीशुदा वाले गाने बहुत सुपर्ब होते हैं। हाँ, नहीं? बड़े जबरदस्त, बोले तो एकदम रैपचिक। हाँ, शादी ब्याह के गाने बड़े जबरदस्त होते हैं। डोली सजा के रखना, ये डोली वोली को छोड़, डोली सज जाती उसके बाद क्या अशर होता है। शतीश साहब से पूछ, शादी से पहले क्या गाते थे? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है, धीरे धीरे प्यार। शादी हो गई, दो महीने तो खुश रहे, दावतें खा रहे, फूफी मामू के घर जा रहे हैं, खूब खा रहे हैं और गा रहे हैं, अब तो बस दावतें उड़ाना है, ताया और मामू के घर जाना है। जहां चार बच्चे हुए, हाथ में बाल्टी, धोती पहनी हुई, एक बच्चा गोद में, बच्चा छोड़े धोती गिरे, धोती छोड़े बच्चा गिरे, फिर आदमी बच्चा ही गिरा देता है, बोला दफा करो। क्या बात कर रहे हो? और फिर मैं बाद में गा रहे होते हैं, धीरे धीरे पानी भर के लाना है, बच्चे का पोतड़ा धुलाना है। जाने देना बा, जाने देना, काहे को गरीब की बेइज्जती कर रहे है। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता, लगता है हमारे लिए बना है वो। क्या है? इस मौजू के हिसाब से तो बहुत अच्छा, जिस तरीके से हम तीन दफा इधर हुए ना, गरीबों की गरीबों की सुनो, वो मारी सुनेगा, तुम दस ना कर दोगे वो दस लाख देगा। गरीबों की सुनो अर्चना, गरीबों की सुनो शेखर, गरीबों की सुनो सतीश शाह, गरीबों की सांबर कोलिंग ट्रिंग ट्रिंग दे दो मां, थैंक यू बिहारियों को, भिखारियों। बहुत सच्चे लोग हैं। तो ये 10 points जो आपको चाहिए, हाँ, वो एक एक से 10 points चाहिए कि मिलाकर 10 points चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो जजेस क्या कहेंगे आप, मिलजुल कर जरा डिसाइड कर लीजिए कौन कितने मार्क्स दे रहा है। यू गेट अ टोटल ऑफ 10। शेखर, अबे भिखारियों। खैरात में क्या दूं, मैं इनको कम नंबर नहीं दे सकता यार। नहीं, बहुत मजे किए तुम लोगों ने, क्या किया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और दैट वाज इंडीड वेरी फनी। तुम्हारे गट्स की तारीफ करनी पड़ेगी, तुम लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना जिगरा है, उस वजह से मैं तुम्हें 8 दूंगा। कसम से यार। तो अभी अर्चना एंड सतीश आपको एक एक पॉइंट देना है, बस आपके हो गए। लविंग यू फॉर व्हाट यू डिड and in a strange way very cute and admirable, like you said, for the guts. I am also going to give it. Wow, 8 points. Thank you. क्या पता नहीं क्यों आकाश, तो जब तुम आते हो तो मैं ज्यादा टेंस हो जाता हूँ। कसम से। और क्या है कि जब आपने मार्क्स के लिए हमें दरख्वास्त की, उसके बाद का आपका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे और भी अच्छा लगा। That was the best. I'll also give you so much. 8 points. Thank you. आ रही है नेक्स्ट जोड़ी उनको अवार्ड्स देने,
जिसको सबने पूछा पर अवार्ड में किसी ने ही नहीं पूछा. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ललित चंद अनफेयर म्यूजिक अवार्ड्स के होस्ट कृष्णा और सुदेश. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अर्चना जी. प्लीज बेयर विथ मी. ललित चंद अनफेयर म्यूजिक अवार्ड्स में आप लोगों का स्वागत है. आज कई कलाकार लेने आएंगे और कई कलाकार देने आएंगे आज का म्यूजिक अवार्ड. शुरू करते हैं हमारा म्यूजिक अवार्ड. और पहला अवार्ड लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपको. पहले देने वाले को बुलाओ. देने वाले तो देने के लिए आ रहे हैं हिंदुस्तान के यानी बॉलीवुड के मशहूर डांसर के बेटे सनी देओल. अवार्ड दिए जा रहे हैं लेकिन जब भी मैं आता हूँ ये 2.5 किलो का अवार्ड मिलता नहीं, बंट जाता है. एनीवेज मैं पंजाब की आन और पंजाब की शान गुरदास मान को यहाँ बुलाना चाहूंगा. जो निमाने जे मानो तुसी मान बख्शे बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा. जरा म्यूजिक बजाओ भाभियों. अवार्ड मिल जावे जे मैनू दूजी बारी. क्या बात है. थैंक यू दोस्तों. अवार्ड मिल जावे जे मैनू दूजी बारी मैं नचेना मैं नचेना छड़प करके सोनी वाले मुझको रोके सब टीवी वाले भी टोके मैं तो बस ले जाऊंगा अवार्ड चक के. मैं ले जाऊंगा अवार्ड ले जाऊंगा मैं घर के सजाऊंगा मैं अपने बच्चे की तरह गोदी खिलाऊंगा मैं दूध पिलाऊंगा लोरी सुनाऊंगा झूला झूलाऊंगा दिल में बसाऊंगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस यकीन आ गया कि तुसी धर्मेंद्र दे बेटे हो. थैंक यू. अगला अवार्ड लेने आ रहे हैं कोई और नहीं इनके मामा श्री गोविंदा. फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो. सावन की कटा खा खुदा बत्ती बुझा मंटी पे खड़े ले आंटी बजा रहे ले बार बार घंटी बिंटूगले फुटले उड़ले शाला बनले चल. कोई गिरदारी लाल जी तो कमाल हो गया यार. मैं अपने फेवरेट सिंगर क्या नाम था उसका अमिका मिक्का मिक्का को यहाँ बुलाना चाहूंगा. मिक्का आओ मिक्का. ओए ते आना भी आ भाई मैं कुछ अनुभव मारा. हेलो गोविंदा भाजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपकी मैंने फिल्म देखी थी मुगले आजम. तो यार मुझे भी तेरा गाना बड़ा पसंद है यार. कौन सा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. अवार्ड दी परवाह मानी करदा. क्या बात है. अवार्ड दी परवाह मानी करदा आकड़ा जे कोई 2-3 तरदा सबसे वक्री वाज मिकागी बजा दो सारे ताली ताली मारो कुछ सुन मारा. थैंक यू. अवार्ड जी कोई होर ले गया फिर चल जू मेरी दनाली. अवार्ड जी कोई होर ले गया फिर चल जू मेरी दनाली. अवार्ड जी कोई होर ले गया फिर चल जू मेरी दनाली. अवार्ड जी कोई होर ले गया फिर चल जू मेरी दनाली. ओहो 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 ओहो
थैंक यू, मैं कोई असली मेका थोड़ी जब समझ आया करो। अब अगला अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं पंजाबी पुत्र आपकी जोरदार तालियों के साथ धर्मेंद्र। अब मैं अपने फेवरेट पॉप सिंगर जगजीत सिंह को बुलाना चाहूंगा। इधर जगजीत, आज तू मुझे मेरा फेवरेट भजन सुनाएगा। कौन सा बेटा? गड्ढे तेना चढ़ दी, गड्ढी रे तेना चढ़ दी, चढ़िया ते टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तला लरा। सुनाओ भाई। गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो? गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो? इस उम्र में तारा रारा करा रहे हो, इस उम्र में तारा रारा करा रहे हो। ठीक है जगजीत, अगर तू बुरा मान गया तो तू मुझे गजल ही सुना दे। कौन सी? तू तक तूतिया। मुझे औकात का पता था। तू तक तूतियां है जमाने, अजा तूता वाले खूते है जमालू। तू तक तूतियां है जमालू, अजा तूता वाले खूते है जमालू। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सो जा, वो भी आता होगा, मैं जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच धर्म जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगला अवार्ड लेने के लिए बुला, अरे ये कहां से आ गए स्टेज पे? अरे तो अपने चंचल जी जो भजन गाते हैं, अरे इनको किसे बुलाया? वॉचमैन। बेशक अवार्डी श्रुति को दे दो, सतीश शाह ये कहता पर पाप भरा दिल शकील का न तोड़ो, इस दिल में बेस्ती का ख्याल रहता है। एक वार्ड दिला दे शेखरा, एक वार्ड दिला दे शेखरा, बाकी तू चाहे तोड़ दे, एक वार दिला दे शेखरा। ये आज कॉमेडी का दरबार सजा है, आईने कहते हैं इस दरबार में सच्चे दिल से नंबर मांगो तो मिलते हैं। ये जो अवार्ड होता है, जिसका होता है बेटा उसी का होता है।
जिसका नहीं होता वो सदा रोता है। मैं धर्मेंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं जितेंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। नुक्स निकालने वाले दाता, हौसला बढ़ाने वाले उस्तादा, सच्चे सुचे नंबरों वाली माता, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी। थैंक यू वेरी मच हमारे ग्रुप का, थैंक्स, थैंक यू क्रिएटिव टीम, मेन काम, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सुदेश। आई थिंक आप लोगों को मार्क्स देने के लिए जजेस के पास है नहीं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट इन आस्किंग। बिल्कुल, हम कुछ कहने लायक नहीं रहे, हम कहने लायक नहीं है, हम जो मार्क्स देने वाले हैं। मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा, मैं स्तब्ध हूं और मैं निशब्द हूं। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने सालों में नहीं देखा, वन द मोस्ट वंडरफुल परफॉर्मेंस। जितना अच्छा आपने किया लहरी साहब, उतना ही अच्छा कृष्णा ने किया। ये बिल्कुल, मतलब इसी के हक में थैंक यू, थैंक यू। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे दो बेटे आयुष्मान और आर्यमन बड़े हों और वो कहीं परफॉर्म करें या कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीते, तो व्हाट इमोशन वुड आई फील, मैं क्या फील करूँगी, यू नो, आंसू आएंगे, बिकॉज आई विल बी सो प्राउड। टुडे आई फील प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो ये देख रहा था कि कौन 19 है और कौन 18 है, मगर आप दोनों 20-20 निकले। अफसोस इस बात का, मुझे 10 देने पड़ रहे हैं सिर्फ, मैं 10 ही दूंगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। आ रहे हैं थकेले कवाल रहमान, इंस्पायर्ड बाय नन अदर देन अनु मलिक, और उनके पेशेंस का टेस्ट लेने आ रही हैं सेल्फ इंस्पायर्ड रिपोर्टर चित्राशी। चेक दिस वन आउट। माशाल्लाह, पहली बार इतना कसीर मजमा देखा है। ये देखिए, खाते पीते घर के भी लोग आए हैं। ओहो माशाल्लाह, ऐसा देखो बचपन से फाका पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए फकीर मिस्कीन लोग भी बैठे हुए हैं। क्या बात है, कवाली होगी, कवाली समाज फरमाइए, एंड तक बैठिएगा। कमजोर दिल के लोगों से गुजारिश है कि अभी चले जाइए, वरना किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। शुरू करें। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, अबे तेरी सूरत, तेरी तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, अब्बा शरीफ आदमी होंगे। अबे तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तू अकेला ही मनहूस है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, अरे मैं तो कहता हूं ऐसा होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, अरे एंड खाए खीरा, लोमड़ पहने बकरी की खाल, अरे बंदर बोले मेरी लाल, उड़ते तीर आ पिछाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, प्यार का वादा आधा आधा 50-50, ये है मेरा वादा, ओ मेरा वादा, ये है मेरा, ओ मेरा। बस आदाब, क्या आदाब। देखिए जनाब, मैं आपको, अच्छा कुछ काम के सिलसिले में आई हैं आप, रुक जाइए, देखता हूँ ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब भरा हुआ है, माफ करना कर्जदारों की डायरी हाथ में आ गई है। ये देखिए पीछे का अप्रैल मई जून सब खाली है, कौन सा डेट दूँ। देखिए मैं आपसे प्रोग्राम करवाने नहीं आई हूँ। अच्छा? मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। क्या लेने आई हैं? देखिए मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ। अच्छा, टैटू वाली है। कमीज उतारता हूँ, लिख लो। देखिए आप समझे नहीं, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। अच्छा, सहाफी है।
बैठिए टिकाइए। एक गर्मा गर्म जो है कवाली समाज फरमाइए, अभी भट्टी से उतारी है। सुनिए, मैं तारों से आसमान तोड़ लाऊंगा, मैं तारों से आसमान तोड़ लाऊंगा, अरे मैं बालों से पतंग उड़ाऊंगा, मैं चौराहे पे नंगा नहाऊंगा, अरे मैं उंगली करने वालों को ठेंगा दिखाऊंगा, ये है मेरा वादा और मेरा। वाह वाह, कमाल ही हो गया, वाह वाह। आपको समझ में आ गई? जी नहीं, एक हफ्ते से मुझे समझ में नहीं आई, आपको कहां से आएगी? देखिए वैसे आपका गला काफी पक्का है। वो गला तो पक्का ही होगा, नाश्ते में रोज पाव किलो सीमेंट खाता हूँ मैं। काफी मजा क्या भी है का? क्या करे, छिछोरपन में बचपन से हाथ खुला हुआ है हमारा। आप शास्त्रीय संगीत के बारे में क्या जानते हैं? शास्त्री 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 निहायत ही सुस्त किस्म का क्रिकेटर हुआ करता था। एनीवेज, आपका फेवरेट कव्वाल कौन है? बप्पी लहरी जी। वो अरे माशाल्लाह, बप्पी जी को शेरवानी पहना दो, कोई पहचान ले तो उसको चमाट मार दूं। हेलो बप्पी को? नहीं नहीं, जो पहचानेगा उसको मारूंगा भाई, क्या बात कर रही है। लगता है वो आपके काफी पसंदीदा हैं। देखो हमारे ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं, हैं? उनको भी लोगों के काम पे भरोसा था, हमको भी है, हैं? क्या उनका एक कलाम सुनेंगे आप? बिल्कुल सुनिए। अर्ज किया है, I am a disco dancer, I am a disco, disco, I am a disco dancer, I am a disco. सांसों में तुम, पन्नाहों में तुम, बाहों में तुम, निगाहों में तुम, चिरो दिनी यामी के तुम्हार, चिरो दिनी यामी, अमे, चिरो दिनी यामी के तुम्हार। कैसा लगा, मजा आया? वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए आपका लाइफ में मोटो क्या है? लाइफ में मोटो नहीं, पतलो है। वो सवेरे उठती है, चमाड़ बजाती है, काम पे भेज देती है। अच्छा खैर छोड़िए, आप ये बताइए जो आपको यू नो आपका मशहूर प्रोग्राम जो आपको कुछ याद हो। एक प्रोग्राम याद है, पेमेंट नहीं मिली थी जी। क्यों? वो क्या है कि बच्चों की स्कूल का प्रोग्राम था, मैंने शराब पे कवाली गानी शुरू कर दी। 6 महीने हो गए, बच्चे अभी तक तुंड घूम रहे हैं। बाकी सब छोड़िए, अब अंत में एक मतलब अच्छी सी कव्वाली सुना दीजिए। ये ऐसी हलक से आवाज निकाल रही है, कव्वाली नहीं कुछ और सुना दूंगा मैं। कव्वाली एक अच्छी, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। जी मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप साथ दीजिए, मैं आपको 8 देता हूँ। कव्वाली सुनिए, आओ देखें। वाह वाह, पहले दिखाने तो दीजिए। दिखाइए दिखाइए। आओ देखें भाई, आओ देखें हैं कितने तीर किसकी तरकश में, कॉमेडी सर्कस में, कॉमेडी सर्कस में, आओ देखें हैं कितने तीर किस, कॉमेडी सर्कस में, कॉमेडी सर्कस में। मशहूर शायर रहमान खान जलालाबादी इरशाद फरमाते हैं, अर्चना के डोलों की दुनिया तो दीवानी है, लौट लौट के आती शेखर की जवानी है, जवानी है शेखर की जवानी है। अरे श्रुती खूबसूरत है, लाइन नहीं देती है, चित्राशी लगता शकील जी की बेटी, शकील जी की बेटी, शकील जी की बेटी है। कामिया सतीश दी को लाइन देती फिरती है, देख देख राजीव की मोराल गिरती है, की मोराल गिरती है, की मोराल गिरती है। लहरी और कृष्णा तो चाचा भतीजा है, परवेज जाने किसकी गलती का नतीजा है, गलती का नतीजा है, गलती का नतीजा है। मक्खन बाजी, मक्खन बाजी मस्का पालिस काम न तेरे आएगा, कॉमेडी का ताज उसी जोड़ी के सर पे आएगा, हर परफॉर्मेंस पे जो यहाँ 10 नंबर पाएगा, हर परफॉर्मेंस पे जो यहाँ 10 नंबर पाएगा, 10 पाएगा, 10 पाएगा, 10 पाएगा, 10 पाएगा,
अरे ये है मेरा वादा, और मेरा धन्यवाद। तो अर्चना कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? रहमान तुमने जो महफिल सजाई है और यहाँ से वहाँ तक उठाई है, कमाल किया। एनर्जी एंड परफॉर्मेंस वाज एक्सेलेंट। चित्राशी आपने भी, आपकी बार आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है रहमान को। मैं सपोर्ट कहूँगी बिकॉज द मेन एक्ट वाज ऑल रहमान। अटेंड फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे और आपकी दुखबंदी, आपका लिखना वगैरह भी बहुत अच्छा था, आपका सपोर्ट तो अच्छा था ही। मैंने कहा आई वॉज वेरी हैप्पी, और आपको जो हाल भी आया है बीच में, बड़ा मजा आया, वो भी रिदम में था, वेरी गुड। मैं भी आपको 10 दूंगा। रहमान मियां कमाल की एनर्जी थे, ऐसा लगता है किसी एनर्जी ड्रिंक के तालाब में डूब के गोते खा के सारा कुछ पी के आप आए थे। लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाय चित्राशी, कितने फॉर्म में, इतने सुर में, इतना बढ़िया सपोर्ट आपने दिया है, और आप दोनों ने मिलकर बहुत कमाल का समा बांधा है। मैं आपको 10 देना चाहता था, लेकिन चूंकि 10 का मकाम और 10 का स्तर उन्होंने इतना ऊपर कर दिया, इसलिए मैं आपको डेफिनेटली 9 भाई। हंसी के संगीत की इस महफिल में हमारे शाने शकील कहाँ रह गए? शकील भाई आप महफिल में रंग नहीं जमाएंगे? हाँ बहन, क्यों नहीं। गाने की बात करते हैं। हाँ। गाने कैसे कैसे आ रहे हैं? भीगे होंठ तेरे, बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिसने हरकत की उसको नहीं पकड़ ले। कितनी बुरी बात है। एक गाना यार सीली सीली, अब ये नहीं बता रहे क्या सी सीली। तो गाने, आप गजल गजल वालों की बात करते हैं। हाँ। मेहदी हसन साहब हमारे मुल्क के सिंगर हैं। जिंदगी मुंह इकट्ठा कर लेते हैं अपना, इतनी सिलवटें पड़ती है, लोग कहते बाद में इस्त्री करना पड़ेगा मुंह पे। और गजल कैसे कैसे हैं? नए कपड़े बदल के जाऊं कहां, जब तुझे पता नहीं सिलवाया क्यों तूने। अब सिलवा ले तो जुमा पड़ गया, या चल जा। अब एक वो गजल है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, मारवा लड़की टकली कर दी। बोले यहां से लूटो, यहां से लूटो, जू समेत लूट के ले गए। सच है। तो आप हमारे आज की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? गरीबों की सुनो। और अब इसी टैप के आइटम करें आप लोग जो समझ में ना आए इनके। ये बोखला बोखला के 10 नंबर रेल है, इनकी मत मार दो, पागल कर दो तीनों को, ये जहनी मरीज हो जाए। हाँ ये लो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।